शिर्क और इसकी इकसाल से बचने का, जैसे आपने अल्लाह पाक ने आपको एक्सप्लेन किया, ये ये जो आप ड्रीम्स आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं, जो लोगों को आप ड्रीम्स फैला रहे हैं, तो ये आप अपने एंड से ये स्ट्रगल कर रहे हैं या अल्लाह पाक की तरफ से आपको कोई ऑर्डर मिला है या आउटकम मिला है नहीं, इस चीज का? जब ऐसा है कि जब मैं 17 साल का था तो तब से ये ड्रीम्स आना मुझे शुरू हुए। तो शुरू में तो मुझे यही था कि अगर ये मेरे जैसे बंदे को ड्रीम्स आ रहे हैं तो सबको ही आते होंगे, जैसे मैं किसी से शेयर नहीं कर रहा तो वो बाकी भी शेयर नहीं करते होंगे। तो लेकिन 1998 में मुझे पता चला कि इवन खातमुन्नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाम में आना भी एक रेयर चांस है। तो वहां से मैंने थोड़ी अटेंशन पे की कि आखिर फिर क्या हुआ जब मुझे जो इतने ड्रीम्स आ रहे हैं। तो बहरहाल फिर मैंने किसी से शेयर नहीं किए, वो सिलसिला चलता रहा। तो इवन मुझे कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि मैं एक दिन ये ख्वाब किसी से शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे ड्रीम्स जो थे उनमें ये भी आता था कि लोग मुझे जानते हैं। तो मैं अपने आप से कहता भी था कि मैं तो कोई सोशल पर्सन नहीं हूँ और ना मैं लोगों से कुछ ज्यादा मिलता हूँ, बस जरूरत की हो तो मैं घर से बाहर यानी जाता उस हूँ टाइम काम। आप सोशली एक्टिव नहीं थे इतने। नहीं नहीं बिल्कुल भी ओके नहीं। ओके ओके तो मेरे जहन में आता भी था कि लोग फिर मुझे कैसे जान लेंगे। तो बहरहाल वो फिर सिलसिला चलता रहा। तो अप्रैल 2014 में मुझे पहली बार अल्लाह ने हाँ में कहा कि कासिम, जो हाँ मैंने तुझे दिखाए हैं वो लोगों से बयान करो। तो मैं जब सुबह उठा तो मैंने कहा ये क्या, यानी अचानक अल्लाह ने ये अब ख्वाब बयान करने का हुक्म दिया है। तो मैंने कहा ये तो मेरे घर वाले ना यकीन करें, तो जो लोग मुझे जानते ही नहीं है वो तो वो कैसे कैसे यकीन यकीन करेंगे? करेंगे। एक तो होता है ना कि बंदा कोई थोड़ा सा वेल नोन हो तो उसको लोग जानते हैं तो वो कोई बात करेगा तो तो लोग थोड़े ट्रस्ट बहुत तो करते हैं उस पे। यकीन कर ही बिल्कुल लेंगे। ऐसे ही है। तो यहाँ पे मेरी कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं देखता हूँ कि अगले ड्रीम्स में क्या आता है। तो तकरीबन 3-4 ड्रीम्स आए मुझे कोई हफ्ते 10 दिन में, जिसमें अल्लाह ने यही हुक्म दिया कि अपने ख्वाब लोगों से बयान करो। तो फिर मैंने कहा नहीं, देखता हूँ कि खातमुन्नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म देते हैं। तो वो भी फिर आए ख्वाब में आए और उन्होंने भी वही हुक्म कि दिया कासिम जो ख्वाब अल्लाह ने तुम्हें दिखाए हैं वो लोगों से बयान करो। तो मैं फिर वहां पे मैंने कहा कि नहीं, ये अचानक ये कैसे हो गया। तो फिर मैंने काफी सोचा। तो फिर मैंने इंटरनेट पे ईमेल के थ्रू शेयर करना शुरू किए, जिनकी भी मुझे ईमेल्स मिलती थी मैं उनको ईमेल करके तो शेयर करता था ड्रीम, लेकिन किसी ने कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। इवन मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो वेबसाइट थी वहां भी शेयर किए, पाकिस्तान की जो आर्मी है उधर, जो इवन बाकी सऊदी अरब, कतर, अच्छा दुबई, अच्छा उनकी भी जो मुझे ऑफिशियल वेबसाइट्स, उनकी आर्मी की साइट्स मिली, मैंने वहां भी शेयर किए, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने फिर कहा कि ये कोई इन ड्रीम्स पे यकीन नहीं करने वाला और ना कोई रिस्पांस दे रहा है। तो मैंने एक तरह से वो ड्रीम्स शेयर करना छोड़ दिए। तो फिर अक्टूबर 2014 आ गया। तो अक्टूबर 2014 में मैंने एक ड्रीम देखा, उसमें मैं अल्लाह से कह रहा था कि या अल्लाह इन ख्वाबों पे कोई यकीन नहीं करने वाला और मैं सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहा हूँ। तो अल्लाह कहता है कि नहीं कासिम, जब मैं किसी काम का इरादा करता हूँ तो फिर मैं उसको करके छोड़ता हूँ और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होता। तो फिर अल्लाह इंटरनेट को हुक्म देता है, तो इंटरनेट को हुक्म देता है कि कासिम के जो ख्वाब है ना वो पूरी दुनिया में फैलाओ। तो वो फिर पूरी दुनिया में फैलाता है। तो यहाँ से मुझे आइडिया होता है कि मैं यानी इंटरनेट पे पब्लिकली अपने ड्रीम शेयर करूँ, वीडियो बना के या जैसे भी। तो उसके बाद फिर 2015 में, जनवरी 2015 से मैंने इंटरनेट पे पब्लिकली ये आप शेयर करना शुरू किए। तो इसमें मुझे कभी नहीं आया कि मैंने अगर मैंने ये खुद से ड्रीम शेयर करना किए होते तो मैं जब यंग था, जवान था, तो मैं तब करता। तो अब मैं जब मेरी यानी जवानी ढल रही थी तो उस मुझे ड्रीम शेयर करके क्या मिलना था, तो क्या
क्या जरूरत थी। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया आपने तब ये कॉल शेयर जी करने चुके। अच्छा आप हमें कहिए बताएं कि जब आपने इंटरनेट पे वीडियोस के जरिए को आप शेयर करने शुरू किए तो फर्स्टली लोगों का रिएक्शन क्या था आपके ड्रीम्स के ऊपर? नेगेटिव था। नेगेटिव था हाँ, यानी लेकिन काफी एक नेगेटिव। थे स्विट्जरलैंड से, तो उन्होंने पॉजिटिव रिप्लाई दिया अच्छा था। सिर्फ एक बंदे ने यानी हाँ, अपने से, बाकी एक। तकरीबन आपको नेगेटिव कमेंट्स उसमें से मिले। तो फिर मैंने कहा कि मैंने इस काम के लिए तो नहीं था ड्रीम शेयर करना शुरू किया, तो फिर मैंने एक तरह से कहा कि नहीं, मैं ना अब छोड़ दूंगा। ठीक है तो फिर फरवरी 2015 में, तकरीबन 8 या 10 फरवरी 2015 में मुझे ड्रीम में हातिम नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो और इस काम को करते रहो। तो मैंने कहा फिर हातिम नबीन के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान भी हाजिर है, तो ये तो फिर सिर्फ बुरे कमेंट्स ही हैं। तो फिर मैंने उसको फिर कंटिन्यू अच्छा रखा। माशाल्लाह। अच्छा आप हमें अब जरा सा ये बताएं कि जब आपने ख्वाब शेयर करना शुरू किए तब कितने लोग, यानी आपके नॉलेज के हिसाब से, आपके जस्ट तकरीबन अंदाजे के हिसाब से कितने लोग तब ऐसे थे जो आपके ख्वाबों पे यकीन करते थे, और अब 2023 जो कि शुरू हो गया है तो अब तक करंट सिचुएशन में अब कितने लोग हैं आपके अंदाजे के मुताबिक जो आपके ख्वाबों पे यकीन करते हैं और पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं और उन ख्वाबों को फैलाने में लगे हुए हैं मजीद आगे से आगे? मुझे जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए थे पब्लिकली इंटरनेट पे, तो मैंने बस यही सोचा था शायद कोई दो चार होंगे तो वो कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो लेकिन ये बस अल्लाह की रहमत है कि इसमें अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाला, और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन बांग्लादेश, इवन इंडिया से भी मुसलमान हैं जो ड्रीम्स का बिलीव करते हैं। फिर रिसेंटली एक्वाडोर से, जो साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, तो वहां से वो हमजा जो है वो बिलीव करते हैं, जो मुस्लिम रिवर्ट हैं। जी वो वीडियो देखी थी आपकी, हमजा इक्वाडोर एमएमए जी रेसलर जी है जी जी उसमें, बिल्कुल। माशाल्लाह। ओके तो उसके अलावा यूएसए से, यूके से, फ्रांस और भी दुनिया से, इजिप्ट से, यानी तो अब अराउंड द 2023 वर्ल्ड है और अल्लाह की रहमत से काफी है। तो में यानी अब बहुत से लोग हैं जो आपके ख्वाबों पे यकीन करते हैं कि ये ख्वाब सच्चे हैं और अल्लाह ताला की तरफ से हैं। जी। और अच्छा अब आप हमें हमारे व्यूअर्स को काइंडली ये बताएं कि उन ख्वाब जो ख्वाब अल्लाह पाक ने आपको दिखाए, आपको क्या लगता है कि उन ख्वाबों का जो मजमू है टोटल सम में, वो अल्लाह पाक उन ख्वाबों के जरिए क्या किसी किस्म का पैगाम देना चाह रहे हैं मुस्लिम उम्मत को या हम लोगों को या तमाम मुसलमानों को, या अल्लाह पाक किसी तरह की तैयारी करने का बता रहे हैं, या क्या उनका यानी बेसिक उनकी बेस क्या है ख्वाबों की कि क्या हमें करना चाहिए? आपके ड्रीम्स को जानने के बाद हमें उस पर क्या लाया अमल करना चाहिए? इसमें अब यह है कि ड्रीम्स तो काफ़ी हैं, और इसमें जो मेन मैसेज यही है कि अगर मुसलमानों ने कामयाब होना है और अपना खोया हुआ मुकाम वापस लेना है, तो हमें शिर्क और उसकी इकसाम से अपने आप को बचाना होगा, शिर्क और उसकी इकसाम को ख़त्म करना होगा ताकि अल्लाह हमारी मदद करे। ठीक है तो उसके बाद जो मुझे आया कि पाकिस्तान जो है इसका की रोल इसमें प्ले करना है, जो फ्यूचर इवेंट है उसमें, और मुझे ड्रीम्स में ये भी आया कि इस्लाम के 3 मेन और भरे किले होते हैं, और उनमें आखिरी किला जो होता है वो पाकिस्तान होता है। और मुझे ये भी ड्रीम्स में आया कि पाकिस्तान आर्मी को अपनी जो आर्मी है वो डबल करनी होगी, जो आने वाले इवेंट्स हैं उनको हैंडल करने के अच्छा लिए या जी मैनेज करने के लिए। आने वाले इवेंट्स में आप किन इवेंट्स का जिक्र करना चाह रहे हैं, यानी कि मेजर कोई इसमें मेन कोई इवेंट जो जिसके लिए हमें ज्यादा स्ट्रगल और तैयारी करनी चाहिए? इसमें ये होता है कि जो आने वाले इवेंट्स हैं उसमें, उनमें जो भरे इवेंट्स हैं वो वर्ल्ड वॉर 3 है और गजवा हिंद है। गजवा हिंद से रिलेटेड भी मुझे बहुत से ड्रीम्स आए हैं। तो जो गजवा हिंद है ये पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग होती है जो मुसल्लत की जाती है अच्छा मुसलमानों पे जी, और पाकिस्तान उसको डिफेंड करता है।
और अल्लाह पाकिस्तान की मदद करता है और पाकिस्तान को गजवा हिंद में अल्लाह कामयाबी देता है। तो ये जो इवेंट्स हैं, ये दो बड़े इवेंट्स हैं, और उसके बाद जो पाकिस्तान है उसने खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा इस्लाम है वो भी पूरी दुनिया में फैलाना है, और वर्ल्ड वार 3 में, और जो गजवा हिंद है ये वर्ल्ड वार 3 का ही एक हिस्सा होगी, और मुसलमानों को वर्ल्ड वार 3 में जो पहली कामयाबी मिलेगी वो गजवा हिंद की सूरत में मिलेगी। यानी मुसलमान गजवा हिंद जीत जाएंगे जी माशाल्लाह। इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर पाकिस्तान रशिया और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स को शिकस्त देता है, और पाकिस्तान अकेला अल्लाह की मदद से सुपर पावर बन जाता है। अच्छा, आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि जब आपने ड्रीम्स शेयर करना शुरू किए थे तब लोगों ने यानी आपके जो ख्वाब थे वो स्पीड से फैल गए थे, या उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत और कोई कोशिश या कुछ ऐसा जो आपने किया हो अपने ड्रीम्स को फैलाने के लिए, भी मेहनत कोई स्ट्रगल, वो थोड़ा सा आप शेयर कर दें अगर। जो पहले 2-3 साल थे वो तो काफी आप कह लें कि हार्ड भी थे और स्लो भी थे, उसमें कोई खास तौर पे 2015 उसमें लोगों ने इतना रिस्पांस नहीं था दिया, कम था। और मार्च 2015 में मुझे एक ड्रीम भी आया जिसमें भूखे शेर होते हैं, उसमें अल्लाह मुझे कहता है कि कासिम कब तक इन अंधेरों में पड़े रहोगे, जाओ मेरी वो बरकतों वाली जो जगह है उसको तलाश करो। तो मैं खुश होता हूँ, मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो बाहर वो 8-10 भूखे शेर होते हैं, तो मैं उनको देख के तो डर के वापस घर आता हूँ। तो मैं अल्लाह से कहता हूँ कि बाहर तो भूखे शेर हैं, तो वो तो मैं कैसे आगे जाऊं। तो फिर अल्लाह मुझे कहता है कि कासिम तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक बाहिफाजत पहुंचाऊंगा, और कासिम या तो वो काम करो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, या फिर इन अंधेरों में हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहो सही। और मैं अपने काम पे गालिब हूँ। तो उसके बाद अल्लाह वहां से चला जाता है, और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं अगर इधर ही इन घर होता, उसमें रोशनी भी नहीं होती, लाइट भी नहीं होती, तो मैं कहता हूँ कि मैं इधर घर में बैठा रहूंगा तो मौत मुझे इधर भी आ जानी है। तो जैसा कि अल्लाह मुझे कहता है तो मुझे अल्लाह का जो हुक्म है उसको मानना चाहिए और फिर बाहर निकलना चाहिए। तो फिर मैं वो अपने ड्रीम्स का जो काम है उसको कंटिन्यू रखता हूँ। फिर उसमें ये कि आरिफ होते हैं बरुनेई से, वो ड्रीम्स पे बिलीव करते हैं और अपनी ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में, उसको फिर वो माशाल्लाह। स्प्रेड भी करते हैं। फिर एक पाकिस्तानी होते हैं, और आपने आई थिंक अपने चैनल का कोई नेम भी चेंज किया था, उसकी क्या रीजन थी? पहले आपके चैनल का और नाम था और फिर आपने उसका नहीं, टाइटल चेंज किया था। वो एक तो ये था कि जब मैं शुरू में ड्रीम शेयर करता था ना, तो मैं जो ईमेल करता था किसी को, या अपनी पोस्ट बनाता था, या फिर कोई वीडियो यूट्यूब पे बनाता था, तो उसका मैं नाम रखता था अल्लाह इन माय ड्रीम। तो फिर अल्लाह ने एक मुझे ड्रीम में कहा, कासिम अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे ड्रीम्स का यकीन करें तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मेरे नाम के साथ लिखा करो। तो मैंने फिर अल्लाह से पूछा कैसे, तो फिर अल्लाह ने कहा कि ऐसे टाइटल दिया करो, अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन माय ड्रीम्स। तो फिर उसके बाद मैंने वो फिर अपना जो टाइटल था या जो भी यानी टॉपिक का जो मेन ऊपर हेडलाइन होती जो थी सब्जेक्ट होता है जी, यानी वो फिर मैंने देना शुरू कर दिया, अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन माय ड्रीम्स। चले माशाल्लाह, आपसे मिलके खुशी हुई।